रामगंज मंडी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुकेत अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यहां तैनात चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मचारी मनमानी पर उतारू हो गए। ओपीडी और इमरजेंसी में उनके बैठने का कोई समय नहीं है। इससे दूर दराज से आने वाले मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं जब हर खबर संवाददाता मौके पर पहुंचे तो हालात ये थे कि बीते आधे घंटे से मरीज लाइन लगाकर पर्ची काउंटर के सामने खड़े थे। जब मरीजों से जानकारी ली गई तो सामने आया कि साहब आधे घंटे से गायब हैं। इतना ही नहीं, मरीजों और तीमारदारों का यह भी कहना था कि 8 बजे का अस्पताल होने के बावजूद डॉक्टर रोजाना 9 से 9:30 बजे के बीच आते हैं, बावजूद इसके इनका ओपीडी में बैठने का कोई समय नहीं है। सफाई कर्मचारी के अलावा कोई नहीं मिलता अस्पताल में, हॉस्पिटल के अंदर कोई नहीं मिलता, कोई डॉक्टर नहीं मिलता, और पर्ची काटने वाला भी नहीं, इलाज भी नहीं करते। कोई इमरजेंसी केस होता है तो उसको भी नहीं हट पा देते। चिकित्सक अधिकारी रईश खान जी मौजूद हैं हमारे साथ। रईश जी, ये जो मामला सामने आया है ये वाकई में बेहद चौंकाने वाला मामला है। ये अगर डॉक्टर समय पर अस्पताल नहीं पहुंचेंगे तो मरीजों को इलाज कैसे मिलेगा? ये तो लापरवाही है। रईश जी, आवाज आ रही है आपको? मेरी सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ, आ रही आवाज जी। रईश जी, मेरा सवाल सुना आपने? हाँ, ये सुकेत की बात है, सुकेत सीएससी ना जी। हाँ, तो यहाँ पर कितने बजे डॉक्टर नहीं मिला? 11 बजे। हाँ रईश जी, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। देखिए, आप सीएमओ हैं तो आप ये बताइए कि डॉक्टर समय पर नहीं पहुंच रहे, ये आपके संज्ञान में है बात? नहीं, मेरे को तो ऐसा पता है कि वहां तो डॉक्टर वही रहते हैं, क्वार्टर में, हेडक्वार्टर में रहते हैं। नहीं, हमारे संवाददाता ने वहां जो मरीज है उनसे बातचीत की है, उनके तीमारदारों से बातचीत की है, वो कह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो अस्पताल में पहुंचते नहीं है। समय है 8 बजे का, 9:30 बजे के बीच में वो अस्पताल पहुंचते हैं, फिर भी वहां पर मरीज जो जाते हैं डॉक्टर से तो दिखवा लेंगे। हमें तो ये मालूम है जी कि जो चिकित्सक है वो क्वार्टर पर रहते हैं, और हो सकता है कि कुछ इमरजेंसी देखने चले गए, उन्हें कोई पोस्टमार्टम या एमरजेंसी रहता है जी। क्योंकि क्या है कि आधे आधे घंटे तक सीट से गायब रहते हैं, ये भी आरोप लगाया जा रहा है। देखो, आरोप का तो मैं अगर स्पष्टीकरण मांग लेंगे, आपका जो न्यूज है इसका संज्ञान लेते हैं, स्पष्टीकरण मांग लेंगे जी। ऐसी बात है, जवाब तलब करेंगे भाई कि 8 बजे के बदले 8:30 बजे क्यों आते हैं, क्या डॉक्टर दो? ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना सीएमओ साहब, ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कौन डॉक्टर किस समय पर आ रहा है, किस डॉक्टर की कहां ड्यूटी है, ये सब आपके संज्ञान में होता होगा। नहीं, हमारे संज्ञान में तो यही है कि डॉक्टर वहाँ क्वार्टर में रहता है जी, और ड्यूटी आवर्स के अलावा भी वही इमरजेंसी, मास कैजुअल्टी, लेबर रूम, कोर्ट एविडेंस और सारी चीजों का वही देखते हैं जी। और अगर लेट आते हैं तो उनसे बात कर लेंगे क्या रीजन हो सकता है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ रईस जी कि ये आपको अपने संज्ञान में लेना चाहिए, और अगर वाकई में आरोप लगाए जा रहे हैं हमारे तो आरोप कितने सच हैं या कितने झूठे, ये तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उसकी पड़ताल करें। तो आपने बताया ना, तो हम इसके न्यूज का संज्ञान लेते हैं, उनसे बात कर लेंगे कि वाकई में क्या डॉक्टर 9:30 पे या 9 बजे आते हैं, 8 बजे के बदले बात कर लेंगे उनसे एक बार।